हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीसेट फिट पीवाईक्यूज। सी दिस इज क्वेश्चन आस्क्ड इन सीसेट पेपर इन 2019। सी ए नंबर 136 इज एडेड टू 5B7C। 136 इज एडेड टू 5B7 एंड द सम ऑब्टेन्ड इज 7A3। ऐड किया तो वी गॉट 7A3 एज ए नंबर, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, इट इज गिवन दैट 7A3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम डिविजिबिलिटी रूल्स टॉपिक। सी 7A3 दिस सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। सो डिविजिबल बाय 3 मींस व्हेन 7A3 को 3 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर वुड बी 0। सो एग्जैक्टली डिविजिबल, सो वी नो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज व्हाट। सी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज मींस देन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ठीक है, हैज टू बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट। सी दैट मींस, सी 7 + a + 3 हैज टू बी इन मल्टीपल्स ऑफ 3, दैट इज 10 + a 7 + 3 is 10 + a। सो 10 + a इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। सो मल्टीपल्स ऑफ 3 मींस व्हाट। सी मल्टीपल्स ऑफ 3 मींस, सी 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, सो ऑन, मतलब 3 का टेबल में। सी दिस इज 3 का 3 × 0, ठीक है, दिस इज 3 × 1, दिस इज 3 × 2, दिस इज 3 × 3, ठीक है, दिस इज 3 × 4, सो ऑन। सो अब ये होना चाहिए, अब मल्टीपल्स ऑफ इस 3 में आना है तो अब ये का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। सी ये का वैल्यू, अब हमें 12 चाहिए। सी बाई 10 + ये तो 12 चाहिए। सो ए वुड बी 2 चाहिए, 12 चाहिए, तो भाई ए वुड बी 2, देन फॉर टू गेट 12, राइट, मल्टीपल्स, देन ये कैन बी भाई, नहीं तो 15 चाहिए नेक्स्ट वुड बी। सो 15 के लिए वी नीड 5, ए वैल्यू ऑफ ए एज 5, देन 21 के लिए वी नीड, सॉरी 18 के लिए वी नीड ए का वैल्यू एज 8 टू गेट 18। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, देन 21 के लिए वी नीड भाई 11 चाहिए होगा, सो 11 इज ए डबल डिजिट नंबर, वो पॉसिबल नहीं है। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आर 2, 5 और 8। सो दैट मींस 7A3, सो 7A3 का वैल्यू कैन बी 723 और इट कैन बी 753 और इट कैन बी 783, 753, 723 और 783। सो ये तीन वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है, ये तीन वैल्यूज पॉसिबल है 7A3 का। सो नाउ वी नीड द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, हमें वे का नहीं चाहिए, बी का पॉसिबल वैल्यू चाहिए। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, भाई हम ऑप्शन वेरिफिकेशन कर सकते हैं या तो बी का एक एक का चेक कर सकते हैं। सी सो लेट्स टेक बी का वैल्यू एज, सी बी का वैल्यू कैन बी, इट कैन बी बिटवीन 0, 2, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हो सकता है, राइट, बी का वैल्यू डिजिट ही हो सकता है। सो अब देखो, बी का वैल्यू मान ले लिया हमने 136 और 5, 507, ठीक है। अब देखो 0, सी दिस इज 13, 4 एंड 6, 634 आ रहा है, 634, राइट। अब 0 लेने से, बी की जगह 0 लेने से, अब देखो 1 लिया तो 517 आएगा, ठीक है, 517 आएगा, 517 आएगा तो दैट इज 653 आएगा। सो हमें 653 नहीं, वैल्यू से तो भाई 7A3 आना चाहिए। सो 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। अब 2 लिया तो बी का वैल्यू, ठीक है, दैट वुड बी 527। सो 527 प्लस 126, सो दिस इज भाई 10-10 बढ़ रहा है ना, 10-10 बढ़ेगा, सो दिस वुड बी 663 आएगा, ठीक है, विथ, सी दिस इज विथ 0, बी एज 0, दिस इज विथ बी एज 1 एंड दिस इज विथ बी एज 2 एंड विथ बी एज 3 इट वुड बी 673, विथ बी एज 4 इट वुड बी 683, विथ बी एज 5 इट वुड बी 693, विथ बी एज 6 इट वुड बी 703, ठीक है, 10-10 बढ़ रहा है, विथ बी एज 7 इट वुड बी 713, विथ बी एज 8 इट वुड बी 723। अब देखो 723 वन पॉसिबल वैल्यू आ गया, सो बी इज 8, सो बी इज 8, अब बी विथ बी एज 9 इट वुड बी
733 भी नहीं है हमें, या 753 होना चाहिए, या 783 होना चाहिए. सो नाउ वी गॉट द वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 8. सो अब बी ऑप्शन डी, अब वेरीफाई भी करें तो 136 प्लस सो 587 वुड गिव अस 723. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो वी हैव डिस्कस दिस इन नंबर डिविजिबिलिटी रूल अंडर CSAT फिट कोर्स. सो इफ यू वॉन्ट, सो यू कैन बाई द कंप्लीट CSAT फिट कोर्स. सो वेर ऑल द मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो एंटायर CSAT पेपर इज covered under the course. It is very affordable course, right? You can buy the course.